नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की भोपाल सीट को लेकर अटकलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भोपाल से सबसे ऊपर चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि अटकलों पर टिप्पणी की जरूरत नहीं है। कल्पना लोक में स्वर्ग में जाओगे या नहीं, इस पर बोला जाए यह जरूरी नहीं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी भोपाल का उम्मीदवार, लेकिन इतना तय है कि हम प्रदेश की 29 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी का चयन करती है। जब केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय कर ले तो उस निर्णय को सही मानना चाहिए। जब तक अटकलें हैं तो अटकलों पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत होती नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जबरदस्ती कल्पना लोक में कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि नहीं जाओगे, तो इस पर टिप्पणी दे तो कैसे देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार है, पूरी ताकत से लड़ेंगे और कांग्रेस को परास्त करेंगे, भाजपा को विजयी बनाएंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी में मुरैना से मैदान में उतारा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी एक दो दिन में नरेंद्र सिंह की लोकसभा सीट चेंज करके भोपाल से मैदान में उतार सकती है। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां मोदी हाउस स्थित भाजपा कार्यालय पर भिंड दतिया लोकसभा सीट को लेकर चुनावी मंथन भी किया। यहां बता दें कि इस बार पार्टी ने सांसद भागीरथ प्रसाद का टिकट काटकर मुरैना की संध्या राय को भिंड से प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते पूर्व सांसद अशोक अर्गल पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं और उनके कांग्रेस पार्टी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बैठक में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य सहित भिंड दतिया जिले के तमाम भाजपा नेतागण भी मौजूद रहे। स्वाभाविक है, आज मौसम चुनाव का है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भिंड दतिया लोकसभा चुनाव की व्यवस्था और व्यवस्थापकों के संबंध में आगामी कार्यक्रम कैसे हों, उस संबंध में उन्होंने बैठक की है। ये व्यवस्था संबंधी बैठक थी और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भिंड दतिया लोकसभा सीट पर संध्या राय को भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजना है। लेकिन जैसा कि चर्चा चल रही है, अशोक अर्गल नाराज हैं पार्टी से, दूसरी पार्टी का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया, क्या लगा ये गुप्त बैठक इसलिए कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की दृष्टि से जो भी विचार कर रहा है उसको राहुल गांधी से प्रेरणा ले लेनी चाहिए, जो अपनी हार के लिए अमेठी छोड़कर और वायनाड जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, आतंकवादियों को मारने का जो काम किया है, देशभक्ति का जज्बा उन्होंने जो दिखाया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी गाँव गरीब मोहल्ले तक में केवल कमल का फूल खिल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जिन्होंने लंबी सेवाएं पार्टी को दी है उन्हें अपनी सेवाओं की चिंता करनी चाहिए और पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भिंड लोकसभा क्षेत्र के जिला भिंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी, इसमें चुनाव की दृष्टि से सभी विषयों पर विचार विमर्श हुआ और भिंड से अधिकाधिक वोट मिलें और भाजपा प्रत्याशी विजयी हों, इसके लिए रणनीति तैयार की गई। क्या अशोक अर्गल की नाराजगी को लेकर भी बात होगी, उनको मना किया जाएगा? कोई की नाराजगी को लेकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने में लगी। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने पिछले साल 2 अप्रैल को हुए घटनाक्रम को देखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। मैं समझता हूं कि हमारे इस अंचल में सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग शांतिप्रिय हैं। कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन सभी ने मिलकर उस समय भी उस परिस्थिति से अपने आप को निकाला और आने वाले कल में भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होगी। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से सभी शांति और सद्भाव के साथ रहें,
इसकी अपील कर। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना इलाके के जयेंद्रगंज स्थित राजीव प्लाजा परिसर में सोमवार की दोपहर एकाएक आगजनी की घटना से यहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को आगजनी की सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे फायर अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया है कि राजीव प्लाजा की पार्किंग में विद्युत मीटरों में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते आगजनी की यह घटना हुई, लेकिन इसमें किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। जो शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें मीटरों में, तो आग क्या बढ़ती गई थोड़ा, और क्या नाम है जो बड़े बड़े वायर हैं जो उसमें भी फैलती गई, तो वो थोड़ा कम से कम आधा घंटा लग गया उसको बुझाने में। कितनी गाड़ियाँ आई, किस सूचना किसने दी फायर ब्रिगेड को? कैसे फायर ब्रिगेड की सूचना अपने भाई बंधुओं ने दी और एक दो फायर ब्रिगेड आ गई। समय रहते हाँ बस समय रहते उसको क्या कंट्रोल में कर लिया, नहीं तो और ज़्यादा भड़क सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो तार शॉर्ट हुए होंगे जो अपने आप जो आग लग गई उस पर, और धीरे धीरे वो बढ़ गई। आप यहाँ क्या गाड़ है? गाड़ है, गाड़ है। तो काय में आग लगी थी, कितनी बड़ी आग थी? ये मीटर पर लगी थी। नशे की लत को पूरा करने के लिए जब माँ ने रुपए नहीं दिए तो एक युवक ने तैश में आकर घर में आग लगा ली, जिसके बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम गिरिराज झा बताया गया है, जो कि नशे की लत पूरा करने के लिए घर में माँ से झगड़ा कर रहा था। इस दौरान उसने बातों बातों में आग लगा ली और जब तक अस्पताल पहुंचाया गया वो बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान बीती रात उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। घटना ये हुई थी कि रात को थोड़ा नशे में था, तो नशे में कुछ माँ से डिमांड कर रहा था पैसे वैसे की, तो खेल खेल में उसने आग लगा ली। जब तक बुझाया तब तक काफ़ी जल चुका था। ये घटना है बुधवार गुरुवार रात की, निम्बालगढ़ रोड नंबर एक पाटनगर चौराहे, उम्र 32-33 के आसपास। घटना का तो पता नहीं है क्या होती, अगर जो सूचना मिली थी कि जल के ख़त्म हो गया, इसका मैं आके यहाँ लिखा पड़ेगा। मृतक का नाम है गिरिराज झा, पिताजी का नाम मुन्ना लाल झा, 32 साल उम्र है उसकी, जो निम्बाल कर की रोड दौलतगंज कोतवाली। सूचना भी मिली थी अपन को 10 बजे करीब, आज रात आज ही खत्म हुआ है। सरकारी व निजी बैंक रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को रविवार होने के बाद भी बैंक खोले गए। सरकारी लेन देन वाली बैंक शाखाओं को खुला रखने के आदेश भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही दे चुकी है। रविवार को पूरे दिन सरकारी लेन देन हुआ। बैंक का काम तभी रुका जब ट्रेजरी से आदेश मिला। रात 8 बजे तक बैंक खोले रखने के आदेश था, लेकिन ट्रेजरी से आदेश देरी से मिलने के कारण बैंक का काम रात 11 बजे तक चलता रहा। वहीं अप्रैल के पहले दिन सोमवार को बैंकों में अवकाश रहा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कामकाज निपटाने के लिए बैंक खोले जाएं। केंद्र सरकार ने सभी पे और अकाउंट को खुले रखने की सलाह दी थी, ताकि सरकारी रसीदें पेमेंट ट्रांजैक्शन को निपटाया जा सके। हालांकि आदेश के बाद खोली गई ब्रांचों में आम लोग भी चेक जमा ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाएं ले सके। वहीं सोमवार को बैंकों में क्लोजिंग के बाद ताले लटके रहे, ऐसे में जिन लोगों को क्लोजिंग की जानकारी नहीं थी वे भुगतान के लिए परेशान होते नजर आए। एंट्री कराने एंट्री नहीं हो रही, पैसे निकालने आता बैंक बंद है, समस्या कुछ नहीं आ रही, पैसे निकालने आया था निकल नहीं रही, उसमें किसी से बात नहीं हुई मेरी। दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन फॉर इंडिया के संयोजन एवं निशक्त जन खेल एवं कल्याण समिति के तत्वाधान में 1-3 अप्रैल तक ग्वालियर में अजीत वाड़ेकर दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ में जवाजी विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड की दिव्यांग क्रिकेट टीमों के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में देश के प्रमुख 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, विदर्भ, उत्तराखंड एवं मेजबान मध्य प्रदेश की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण पाठक उपस्थित रहे।
हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री अजीत वाडेकर जी का आज जन्मदिवस भी है और उनकी स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। अजीत वाडेकर सुपर फोर राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट कब से कब तक के लिए चलेगा? 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक के लिए 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। इसमें 4 टीमें भाग ले रही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ। पुरस्कार तो जो नॉमिनल होता है वो रहेगा, बाकी इस टूर्नामेंट के माध्यम से अगस्त महीने में भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए लंदन जाने वाली है, उस टीम के लिए कुछ खिलाड़ियों का चयन इस टूर्नामेंट के माध्यम से ही होगा। इस तरीके के टूर्नामेंट पूरे देश में जोनल टूर्नामेंट चल रहे हैं इस समय, और भी कई जगह चल रहे हैं, बॉम्बे में भी चल रहे हैं और जगह चल रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन, वर्ल्ड कप की भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे इनके। विगत वर्ष 2 अप्रैल को हुई हिंसक घटनाओं के 1 साल बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और पिछली तरह की इस साल किसी भी तरह की कोई वारदात ना हो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में चेकिंग पॉइंट बनाकर असामाजिक तत्वों पर नज़र तो रखी ही जा रही है, साथ ही खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय होकर लगातार जमीनी स्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि विगत वर्ष 2 अप्रैल को हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और सार्वजनिक संपत्ति को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, जिसके बाद 1 साल बाद फिर से 2 अप्रैल जैसी कोई हिंसक वारदात ना हो इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैल सके इसके लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर सकता है, जो कि 2 अप्रैल तक बंद रहेगा, और अगर स्थिति सामान्य रही तो इंटरनेट को बंद करने के फैसले को वापस भी लिया जा सकता है। पिछली बार हिंसक झड़पों में जिन इलाकों में सबसे अधिक नुकसान हुआ वहां अधिक निगाह रखी जा रही है, विशेषकर कुम्हारपुरा, गोलेका मंदिर मुरार, सुरेश नगर, नदी पारटाल इलाके में भी विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 2 अप्रैल के पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना है। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग अपना मूवमेंट उन संवेदनशील क्षेत्रों में बनाए हुए हैं जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार वहाँ पर सतत संपर्क संवाद कायम किए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बन रहे, कानून व्यवस्था बन रहे, इसमें सबका, नागरिकों का सहयोग मिले। जो नागरिक पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं वो आगे आएं, और कुछ एक एलिमेंट जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पूरी नागरिकों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और ऐसे लोगों के बारे में सूचनाएं दें। आपका नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। आप ऐसी कोई भी सूचना जो आपको लगता है पुलिस और प्रशासन के लिए शांति व्यवस्था बनाए में सहयोगी रहेगी, हमारे हेल्पलाइन नंबर 7049110100 पर दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे मोबाइल नंबर 7049110800 पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम सबसे संपर्क संवाद तो कायम रखें शांति बनाए रखने में, परंतु यदि कहीं लगता है कि कहीं सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है उसमें बिना विलंब किए कार्रवाई को संपन्न करें। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने एक और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय व अर्ध शासकीय कार्यालय, निगम, मंडल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी कर्मचारी बिना लिखित अनुमति लिए बिना अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ का जमाव भी प्रतिबंधित रहेगा। ज्ञात रहे कि जिले में आर्म्स अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस निलंबित हैं, जिसके चलते पात्र व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का शस्त्र धारण करना एवं प्रदर्शन करना प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक, आयुध तथा ऐसी सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है उसका प्रदर्शन नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय में से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दो अप्रैल को लेकर एहतियाती तौर पर कदम उठाए गए हैं। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीमें और नीचे ग्राम पंचायत लेवल पर टीमें फॉर्म की गई हैं। इसके अलावा धारा 144 लगाई गई है स्पेसिफिक इशूज़ के लिए। किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई स्टैच्यू नहीं लगाई जा सकती है। निर्देश के बारे में सभी को तामील कराया गया है। जो फरार, गिरफ्तारी और वारंटी है उनको भी उनके वारंट तामील कराए जा रहे हैं। जिन लोगों के विरुद्ध में 107-16 जिला बदर की कार्रवाई पिछले 3 वर्षों में की गई थी उनके घर पर भी चस्पा किए जा रहे हैं कि कोई आदमी शांति भंग वाला व्यक्ति जिले में ना मिले। इंटरनेट सर्विसेज भेजने वाला पत्र कलेक्टर और एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से जो अपर मुख्य सचिव ग्रह हैं उनको भेजा जा चुका है और उनके द्वारा सहमति प्रदाय कर दी गई है। अगले कुछ मिनटों में इंटरनेट सर्विसेज भी हम कुछ समय के लिए बाधित करेंगे और हमारी जो टीमें हैं वो सभी टीमें अभी फील्ड में भी हैं। चेक पॉइंट्स भी बने गए हैं। प्रशासन एहतियाती तौर पर कदम उठा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये संदेश भी है नागरिकों के लिए कि सभी शांतिप्रिय तरीके से कार्य करें और किसी प्रकार की सोशल मीडिया या किसी हर जगह कोई और अनर्गल कोई पोस्ट वगैरह ना करें। 2 अप्रैल को हुई हिंसा के 1 साल पूरे होने पर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों के बीच सोमवार को एसपी ऑफिस परिसर में सभी थानों और पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया, जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती की, जिससे कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ सके। पुलिस बल यहां अधिकारियों से दिशा निर्देश लेकर अपने अपने पॉइंट के लिए रवाना हुआ। गत वर्ष की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस और प्रशासन ने अपनी सतर्कता बरतते हुए सभी पक्षों से लगातार संपर्क, संवाद, बातचीत की है। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे पास डीएफ का बल, एसएफ का बल, क्यूआरएफ, सीआरपीएफ सभी फोर्सेस विद्वान हैं। आज उनकी ब्रीफिंग की गई है कि ड्यूटिंग उनको कैसे करनी है। फिक्स पिकेट, मोबाइल पार्टीज, माउंटेड प्लाटून सभी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा हमने शांति दल भी गठित किए हैं। शांति दूत के रूप में नागरिक आगे बढ़कर हमारी मदद कर रहे हैं। वो स्वयं ही कल पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करेंगे, सर्व समाज के रूप में बैठेंगे और शांति की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थकों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर सहित कई शहरों में कार्यक्रम सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर की शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार रोकने पर सवाल किया। ग्वालियर में इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। ग्वालियर की शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार रोकने पर पूछा और सवाल किया। ग्वालियर में इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहे। मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री ने शकुंतला सिंह के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक देश का सबसे बड़ा चौकीदार होता है। उन्होंने कहा, 2014 चुनाव के दौरान मैंने लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब आप एक चौकीदार बैठा रहे हैं। देश का सामान्य आदमी टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। सरकार में आते ही हमने इस पर काम शुरू किया। इसकी शुरुआत 2014 से हुई। मैं उन्हें जेल के दरवाजे तक ले गया। लोग जेल के दरवाजे तक पहुंच कई कारणों से बाहर आ गए। 2019 से अब वो बच नहीं पाएंगे। मोदी ने कहा कि कुछ भ्रष्टाचार करने के बाद जेल जाने के डर से देश छोड़कर भाग गए। उनके पीछे भी हम लगे हैं। वो लोग विदेश में जाकर, वहाँ की कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि भारत की जेलें रहने लायक नहीं हैं। हम वहाँ कह रहे हैं कि जिन जेलों में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को रखा, वे जेलें रहने लायक कैसे नहीं हो सकती। Yeah.
विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह नहीं सकते, अब उनको महत्व आ गया। तो मैंने कहा था पहुंच कर बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या, अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था क्या उनको उनसे मैं अच्छी जेल थोड़ी सी दूंगा। संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का एक पड़ाव अभी पूरा हुआ, एक पड़ाव पर अभी पहुंचे और इस पर अब भव्य इमारत भव्य भवन भारत का बनना है। प्रधानमंत्री जी के सम्मान में देश के करोड़ों करोड़ जनता के मन में नया विश्वास पैदा किया है और जिस ढंग से उन्होंने समाज के हर वर्ग के चौकीदारों के सवालों के जवाब दिए, मुझे लगता है कोई भी समस्या उनसे अछूती और अनदेखी नहीं है और हर एक के समाधान के लिए वो प्रयत्नरत रहे हैं और 5 साल में भारत को और बहुत आगे ले जाएंगे। हमको ये प्रेरणा भी मिली कि अब तक जो हो गया वो हो गया, अगले 5 साल में भारत कहाँ होगा उसका विजन भी उन्होंने यहाँ हमारे सामने रखा है, स्पष्ट किया है और इसलिए भारत के उज्जवल भविष्य को हम सब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। भारत बढ़ा है और आगे बढ़ेगा और दुनिया का सरताज बनेगा। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।